हाय गाइस, ऑल दो इट इज़ नॉट इवनिंग, तो मैं इस व्लॉग को कैसे स्टार्ट करूँ मुझे नहीं पता है, बिकॉज अगर मैं दिखाऊँ तो इट्स 11:55, दैट इज़ 12:05 बाकी है। जिस टाइम पे मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ, एडिट करके अपलोड भी कर देती हूँ, आज उसी टाइम पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसका दो रीज़न है। मैं पिछले कुछ व्लॉग में, अगर आप हमारे पुराने व्लॉग फॉलोअर्स हो तो आपको पता है कि मेरे घर पे रिसेंटली सारे बहुत बीमार हैं, तो मेरे पापा को आज इमरजेंसी हो गया था जिसके लिए मेरे को भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में, और पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में थी। उधर ही सारा दिन मेरा कट गया, इधर भी था मेरा, मेरी बुआ थी, मेरी सिस्टर थी और मेरा मौसा था, तो हम सभी उधर थे हॉस्पिटल में बेसिकली। तो इमरजेंसी कैसे हुआ मैं आप लोगों को कल बताई थी कि बुखार आया था एंड उनको लूज मोशन हो रहा था, तो पहले से ही वो लीवर के पेशेंट है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के। तो एनीवे इन्फेक्शन के कारण वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं टेंशन में कल पूरी रात सो नहीं पाई, इंदर का भी सेम कंडीशन था, फिर भी वो 3:30 के बाद सो गया था। मेरी तो ऐसे ही चलती रही। 7:30 जब मैं नींद से उठी थी तब मैंने इधर देखी थी इस रूम में, एग्जैक्टली इस बेड पे, इसी जगह पे पापा लेटा हुआ था एंड उनका कंडीशन क्या था मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं देख रही थी कि वो ठीक है, सो रहे हैं, मम्मी भी सो रही है, दरवाज़ा दोनों रूम का ही खाली था कि कोई इमरजेंसी हो तो एक दूसरे को हम बुला सकें। तो मेरे को ठीक लगा कि चलो भाई ठीक है सब कुछ। एंड देन एकदम से 1 घंटा बाद जब मैं उधर जाके फिर से सो गई, 8:00 मम्मी मेरे को बुला के बोलती है कि मतलब पापा का फिर से लूज मोशन हो रहा है एंड इमरजेंसी सिचुएशन है। तब और लेट भी ना किए हम लेकर गए। एंड बाय द वे कल रात को पापा का इतना इमरजेंसी था कि बेड पे भी थोड़ा सा स्टूल हो गया था लूज मोशन के कारण। तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली हम पापा को घर पे रखते नहीं हैं, तो उनका जो डॉक्टर है जो उनका चेकअप करते हैं, उन्होंने भी ईमेल में रिप्लाई दिया था कि इमीडिएटली हॉस्पिटल में भर्ती कर दो इमरजेंसी में। वही किया, आज सुबह उठी थी एंड सुबह से पूरा दिन उधर ही चला गया। तो मेरे फूफड़ जी एक रूम में भर्ती है, सेम हॉस्पिटल में मेरे पापा भी भर्ती है। आप लोगों को पहले ही बताई हूँ, फूफड़ जी को उसी हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं जहाँ मेरे पापा का चेकअप होता है। तो दोनों सेम वार्ड में, इस रूम और उस रूम में है। तो अभी पापा को कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत है क्योंकि उनका BP लो हुआ है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर, आप लोगों को पता ही है। तो किस लिए उनको सेमी ICU में शिफ्ट किया है, दैट इज़ इंटेंसिव केयर यूनिट, आप लोगों को पता ही है। तो अभी तक तो ठीक है, मेरी बात हुई थी अभी कुछ देर पहले, पापा के पास फ़ोन है, तो चलो टेस्ट वगैरह हो रहा है, बाकी कल पता चलेगा। मैं ज़्यादा इधर मतलब इतना इलाबोरेट नहीं कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है अभी ये सब बोलने का, क्योंकि मैं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। एंड एक ही बात अगर मैं बार बार बोलूँगी आप लोग भी बोर्ड होंगे और मेरे को भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। एनीवे, तो सेकंड बात ये है कि आज नहीं, अभी 12 बजा है, आई थिंक 2-3 मिनट ही बाकी रह गया, लेट मी चेक, एक बार फ़ोन में देख लेती हूँ। हाँ, 12 बज गया अभी, तो मेरे फ़ोन में बजा, घड़ी में नहीं बजा, 1 मिनट बाकी है। तो मेरी मम्मी की बर्थडे है, 15 अगस्त मेरी मम्मी की बर्थडे है। एंड आज का मतलब 15 अगस्त के लिए हमारा बहुत बड़ा प्लान था। पहली बात तो हम इंडियन आइडल के फ़ैन हैं, वो देखना था, ऊपर से खाने का प्लान था, मौसा मौसी को बुलाने का प्लान था, और मतलब कुछ बोलने का कोई जगह ही नहीं है। पापा हॉस्पिटल, फूफड़ जी हॉस्पिटल, मम्मी इधर, मैं उधर, इधर। तो मम्मी के भी मन ठीक नहीं है, वो भी घर पे अकेली है, आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन होता है इस टाइम पे। और मम्मी मेरे साथ जा भी नहीं सकती हॉस्पिटल में क्योंकि मम्मी के पैर में दर्द है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए मम्मी घर पे ही रहती है, फ़ोन पे कांटेक्ट रखती है, दैट्स इट। तो इस कंडीशन में बंदे का दिल और दिमाग कैसे चलता है और क्या हालत होता है आप लोगों को पता ही है। जस्ट इस सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए हमने एक गिफ्ट लेकर आए थे, बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा है बस। इसीलिए मैंने कभी मेरी मम्मी के बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया मम्मी को,
बट इस बार देने का रीज़न यही है क्योंकि उनका मन बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ पूरी दिन अकेली रहती है, अकेली मतलब कोई है ही नहीं बात करने जैसा, और मेरी मम्मी के आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, वो नीचे जाके भी बात नहीं कर सकती, ऊपर ही रहती है। वो अभी 12 बज गया है मेरे घड़ी में, सी देयर पक्का 12 बजा है। तो आई थिंक इट्स द हाई टाइम कि हम मम्मी को बुलाएं और उनको हैप्पी बर्थडे विश करके ये गिफ्ट दे दे। मैं इसीलिए इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर रही हूँ पूरे दिन के एंड में जाके, एंड ट्रस्ट मी इसके बाद मैं जैसे ही ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, मम्मी को गिफ्ट वगैरह दे दिया जाएगा, उसके बाद मैं इस व्लॉग को एंड कर दूँगी। इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तो वो उधर बैठे जब फ्री टाइम होता है फ़ोन देखता है। मेरे को पता है वो मेरे व्लॉग्स देखेंगे क्योंकि लास्ट 2-3 दिन में उसने मेरा व्लॉग देखा नहीं है यूट्यूब में। तो एटलीस्ट उनके मन को खुशी होगी कि नहीं, मेरे घर पे सारे अच्छे हैं, ठीक है। और हमारे पास भी कुछ होगा कि हम उनको कल जाके सुनाए, एटलीस्ट बोले कि नहीं मम्मी को हमने गिफ्ट दिया था, उनको अच्छा लगा। तो गाइज ये है गिफ्ट, तो इसको मैं अभी इस खिड़की के सामने छुपा देती हूँ, जैसे ही मम्मी आएंगी तो उधर से हम दोनों ही लेकर उनको गिफ्ट करेंगे। और लाइट ऑफ कर देते हैं और उनको ऐसे बुलाते हैं जैसे पता नहीं कुछ हो गया हो, सो दैट इट विल मेक हर फील स्पेशल, दैट्स इट। तो चलो इसको छुपाते हैं पहले। तो गाइज मैं अभी मौसी को कॉल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मौसी इस सिचुएशन में रहे हमारे साथ, क्योंकि उनको हम बुलाने वाले थे, मौसी का नंबर डायल कर, तो वो मौसी नहीं आ पाई। तो मेरे मौसा के जो फ़ोन है उसमें वीडियो कॉल होती नहीं है, बट जो मासी के फ़ोन है उसमें वीडियो कॉल होती है। वीडियो कॉल छोटा ट्राई आपको अच्छा लगा। तो आज के लिए इंदर पानी पी रहा है बाय द वे। आज के लिए व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। सी यू गाइस ऑल इन अवर नेक्स्ट व्लॉग। आप सब सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय। हेलो गाइस।
हेलो गाइस, तो आज ऑफिशियली वीडियो नहीं स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ न्यू डे, इट्स 15th ऑफ अगस्त। तो आज मैं घर पे हूँ, अभी बजा है दोपहर के 4:15, देख सकते हो। टुडे मी एंड इंदर वी हैवंट गॉन टू हॉस्पिटल। आज हम दोनों हॉस्पिटल नहीं गए इसीलिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे पापा, मेरे फूफड़ जी दोनों भर्ती होते हुए भी मैं आज हॉस्पिटल नहीं गई, जबकि आज जाना ज़रूरी था। बिकॉज आज मेरा तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी मॉर्निंग को, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। मेरे को बुखार आ गई थी, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। मौसा आया था आज मॉर्निंग को पापा को देखकर, फिर तो उन्होंने गिफ्ट लेकर आया था, तो दिखाओ। तो ये है बेडशीट जो मौसा ने मम्मी को गिफ्ट किया है। थैंक यू मौसा, थैंक यू सो मच कि इतना टफ कंडीशन है उसके बीच में भी तुमने इस चीज़ को याद रखा, तुमने गिफ्ट लेकर आया। मेनी मेनी थैंक्स। मम्मी के साइड से भी मैं थैंक्स बोल रही हूँ, इन द थैंक्स बोल रहे हैं। तो शाम के टाइम मैंने मम्मी को बोली है कि थोड़ी सी पुलाव बना लेना और मैं थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, ऑल दो मेरा कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी। तो ये हमारा प्लान है। पनीर घर पे है नहीं, नहीं तो चिली पनीर बना लेती थोड़ी सी, और इस कंडीशन में मैं अभी बाहर नहीं जा सकती। इंदर को इधर का दुकान वगैरह पता नहीं है तो उसको मैं अकेले नहीं भेजूंगी। तो दैट इज़ इट। दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि इसको हम कैमरे में इसीलिए दिखा रहे हैं, ऑल दो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं दिखाने के लिए आप लोगों को, और हो सकता है कि कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे ये व्लॉग। बट द थिंग इज़ दिस, माई फादर इज़ इन हॉस्पिटल, तो मैं नहीं चाहती हूँ उनको ये फील हो कि मैं घर पे नहीं हूँ और लाइक मम्मी की बर्थडे है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वी आर हेयर, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको खुश रख रहे हैं। आपको पता है घर वाले अगर हॉस्पिटल में होता है और ऐसा कंडीशन में होता है तो कैसा लगता है। मेरे पापा का अभी भी डिसेंट्री कम नहीं हुआ, उनका अभी भी लूज मोशन हो रही है। एनी वे सलाइन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ठीक है। तो होपिंग कि वो जल्दी से सही हो जाएंगे। जल्दी से इस बेडशीट को हम इधर बिछा देंगे मम्मी आने से पहले कि उनको अच्छा लगे न्यू बेडशीट पे सोना एंड ऑल दैट। तो फिर हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। आई होप दैट आप लोग सारे अच्छे रहना आप लोगों के घर वालों के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय। हमारा बेडशीट जो अभी लगा दिया है, और ये मौसा ने गिफ्ट किया था मम्मी। तो आई होप दैट हमारा ये थोड़ा सा जो इनिशिएटिव है ये मम्मी को अच्छी लगेगी। बाय द वे, तो लेट्स कॉल मम्मी। तो मम्मी अभी इसी कंडीशन में ही है, जैसे मम्मी थी वैसे ही बुलाया है। तो मम्मी कुछ बोलना चाहोगे, कुछ बोल बे मीशो के स्पेशली। मीशो के की बोलूं, মেশো তোমাকে এই গিফটটা দিয়েছে, বিছানা চাদর তোমার কেমন লেগেছে, ভালো লেগেছে? খুব দারুণ লেগেছে গিফটটা। তাহলে থ্যাংক ইউ বলে দাও। থ্যাংক ইউ নন্দদা। আর মাছিকে বেশি থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ।